हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजीज करियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं यू बाय वी वाले फार्मूले के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना भाई। तो आप देखिए यू बाय वी वाला फार्मूला, इफ वाई इक्वल यू बाय वी है देन डी वाई बाय डी एक्स इक्वल होता है वी स्क्वायर। वी को छापेंगे, यू को डिफ्रेंशिएट करना है, बीच में फार्मूला से माइनस, फिर यू को छापेंगे तो वी को डिफ्रेंशिएट करना है। तो कोई भी चीज यू बाय वी के फॉर्म में रहेगा तो उसका डी वाई बाय डी एक्स जो आएंगे वो यू आएंगे कि वी स्क्वायर, है ना, नीचे से कॉपी करेंगे वी स्क्वायर, फिर वी को ही कॉपी करना है, यू को डिफ्रेंशिएट कर देना है एक्स के रिस्पेक्ट में, बीच में फार्मूला से माइनस, फिर यू को छापेंगे तो भी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। कोई भी चीज यू बाय भी बोले तो नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में, कहे तो अंश बाय हर के फॉर्म में, ठीक है ना। तो कोई भी चीज यू बाय भी के फॉर्म में रहेगा, कहे तो नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहेगा, अगर उसका डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट करने के लिए साइंटिस्ट ने यह फार्मूला दिया है, है ना। इन्हीं फार्मूला का यूज करते हुए हमें उनको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। सवाल के जरिए से हम लोग ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे यू बाय वी वाले फार्मूला को कि इसका इंप्लीटेशन किस तरह से सवाल में होता है, ठीक है ना। तो सवाल लेते हैं हम लोग, जैसे फाइंड डी वाई बाय डी एक्स है, फाइंड डी वाई बाय डी एक्स है, ठीक है, और वाई इक्वल है टेन एक्स बाय साइन एक्स, टेन एक्स बाय साइन एक्स, वाई इक्वल टेन एक्स बाय साइन एक्स है, ठीक है। तो सोल्यूशन में लिखा जाएगा वाई इक्वल टेन एक्स बाय साइन एक्स, और इसमें चेन रूल लगेंगे तो डीवाई बाई डी एक्स निकालने के लिए चेन रूल लगेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स बाय साइन एक्स बाय डी लगाकर अंदर वाली को लिखना है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज यू बाय भी के फॉर्म में हो, या पहले हम लोग पढ़े हैं यू इंटू भी के फॉर्म में हो, तो कोई भी चीज यू बाय भी या यू इंटू भी के फॉर्म में हो तो पहले स्टेप में आपको अंदर हमेशा एक्स ही लिखना है। पहले स्टेप में अंदर हमेशा क्या लिखेंगे भाई, एक्स लिखेंगे, ठीक है ना। पहले स्टेप में अंदर हमेशा क्या लिखना है, एक्स लिखना है। यू इंटू भी के फॉर्म में भी रहता है जो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा, तो वहां पर भी पहले स्टेप में अंदर x लिखते हैं, और u by v के भी फॉर्म में रहता है तो वहां पर भी पहले स्टेप में हम अंदर x ही लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया। अब अगले स्टेप में क्या करना है, u by v वाला फार्मूला लगा देना है। ऊपर वाले को u कहा जाता है और नीचे वाले को v कहा जाता है, तो ये u by v के फॉर्म में हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे d by dx। देखिए कोई भी चीज u by v है तो उसका d by dx ये फार्मूला है, डी बाई डी एक्स का ये फार्मूला है, तो ये यू बाई बी के फॉर्म में है तो इसका डी बाई डी एक्स निकाल रहा हूं तो बी स्क्वायर। देखिए नीचे से हम लोग शुरुआत करेंगे, आपको जो है नीचे से जब भी शुरुआत करेंगे तो आपको गलती होने के चांसेस नहीं रहता है और फार्मूला याद रखने में भी सुविधा होगी। बी स्क्वायर, फिर भी को ही छापे हैं तो यू को डिफरेंशिएट किए, देखिए बी स्क्वायर तो भी को ही कॉपी किए हैं तो यू को डिफरेंशिएट कर दिया, बी को कॉपी किए तो यू को कर दिए, दूसरी बार में यू को कॉपी किए हैं तो बी को डिफरेंशिएट कर दिया, है ना, बीच में माइनस है। तो बी स्क्वायर, बी को छापेंगे तो यू को डिफरेंशिएट कर देना है, यू को छापेंगे तो बी को डिफरेंशिएट कर देना है। यू बाई बी के फॉर्म में तो बी स्क्वायर, बी के जगह पर क्या है भाई साइन x है तो sin x का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है ना, sin x का स्क्वायर v स्क्वायर, फिर v को ही छापना है, v के जगह पर क्या है sin x है तो sin x को छाप लेंगे, v को छाप लिए, u को डिफरेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में, u के जगह पर क्या है tan x है तो tan x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। बीच में फार्मूला से माइनस, माइनस लगा देंगे, फिर u को छापेंगे, u के जगह पर क्या है tan x है तो tan x को छाप लिए, u को छाप लिए, b को डिफरेंशिएट कर देंगे तो b के जगह पर क्या है sin x है तो sin x को डिफरेंशिएट कर देना है। तो जिसको भी डिफरेंशिएट करना है ना भाई, उसको अकेला जैसे करते थे वैसे ही करना, जैसे tan x को अकेला जैसे किया जाता तो वैसे sin x को अकेला जैसे किया जाता था वैसे ही किए। तो b स्क्वायर, देखिए b के जगह पर sin x है तो sin x का स्क्वायर, फिर b को छापते हैं, b के जगह पर tan x, b के जगह पर sin x है तो sin x को छापा, u का डिफरेंशिएशन कर देना है, u के जगह पर tan x है इसको डिफरेंशिएट कर दिया, बीच में फार्मूला से माइनस लगाया, फिर u को छापेंगे, u के जगह पर tan x है तो tan x को छापेंगे, और फिर into b का डिफरेंशिएशन, b के जगह पर sin x है तो sin x को डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। अब sin x लिख देंगे और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, ठीक है, माइनस tan x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x by sin x का होल स्क्वायर, का कहने का मतलब sin स्क्वायर x, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, है ना, नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट जो सवाल है, सवाल मैं लिख रहा हूं,
वाई इक्वल टेन इनवर्स एक्स बाई लॉग एक्स, ठीक है, ये नेक्स्ट सवाल है, y इक्वल टेन इनवर्स x बाई लॉग x, तो इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है, u बाई बी के फॉर्म में है, तो y इक्वल टेन इनवर्स x बाई लॉग x, d बाई डी एक्स निकालेंगे, ठीक है, और d टेन इनवर्स x बाई लॉग x बाई डी लगाकर अंदर वाले को लिखना है, यू बाई वी के फॉर्म में है इसलिए अंदर हम क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, एक्स लिखेंगे, मैंने लिख दिया, अब अंदर एक्स लिख दिया, ऊपर वाले को यू, नीचे वाले को भी कहा जाता है, ठीक है ना, तो मैंने लिख दिया ऊपर वाला यू नीचे वाला भी, अब जो है यहां पर क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर, बी के जगह पर क्या है, लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का स्क्वायर, ठीक है, फिर b को ही कॉपी करना है, b के जगह पर क्या है, log x है, तो log x को कॉपी कर देंगे, u को डिफरेंशिएट कर देना, u के जगह पर क्या है, tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट कर देना है, तो tan इनवर्स x को अकेला जैसे चैन रूल लगाकर करते थे वैसे ही कर देना है, बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे, u को कॉपी करेंगे, u के जगह पर tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x को कॉपी करेंगे, तो b इनटू b का डिफरेंशिएशन, b के जगह पर क्या है, log x है, तो log x को डिफरेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, log square x है, log square x और log x ऊपर में, और यहां पर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर माइनस tan इनवर्स x, ठीक है, और log x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएंगे, 1 बाय x, ठीक है, ये आपका आंसर रहा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल है y इक्वल e टू द पावर x बाय रूट ओवर x, ठीक है, ये नेक्स्ट सवाल है y इक्वल e टू द पावर x बाय रूट ओवर x, तो y इक्वल e टू द पावर x बाय रूट ओवर x है, d बाय dx निकालना है हमें, तो सबसे पहले आपको e टू द पावर x बाय रूट x है, d लगाकर अंदर वाले को लिखना, u बाय b के फॉर्म में है इसलिए पहले स्टेप में अंदर x लिखा, ऊपर u है भाई और नीचे b, ऊपर वाले को u कहा जाता है, नीचे वाले को b कहा जाता है, u बाय b के फॉर्म में हो गया, अब जो है फॉर्मूला लगेंगे, देखिए नीचे से हम लोग स्टार्टिंग लेते हैं, बी स्क्वायर, बी के जगह पर रूट एक्स है, तो रूट एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर, फिर बी को ही कॉपी करेंगे, बी के जगह पर रूट एक्स है, तो रूट एक्स को कॉपी कर दिया, यू को डिफरेंशिएट कर देना है, यू के जगह पर ई टू द पावर एक्स है, ई टू द पावर एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना, बीच में फॉर्मूला से माइनस, फिर यू को छापेंगे, यू के जगह पर ई टू द पावर एक्स है, ठीक है ना, और इनटू बी को डिफरेंशिएट कर देना, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएंगे, ठीक है, तो ये आ गया भाई, फार्मूला पर सेट कर दिया, अब अगले स्टेप में रूट ओवर एक्स का स्क्वायर को सिंपली एक्स लिखा जाएगा, रूट ओवर एक्स, ठीक है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x रूट ओवर x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट ओवर x आ जाएंगे, ठीक है, और इसको नेक्स्ट स्टेप में भी लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं भाई, यहां पर जो है आपका 2 रूट ओवर x एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, 2 रूट ओवर x एलसीएम ले लीजिए, 2 रूट ओवर x यहां पर भी आ जाएंगे, और यहां पर आएंगे तो रूट ओवर x इंटू रूट ओवर x, x में चेंज हो जाएंगे, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x, ठीक है, ये हो जाएंगे, और नीचे तो x ही, और भी एक स्टेप में बढ़ा सकते हैं इसको, है ना, x पर पावर हाफ इंटू एक्स, कहीं तो x टू द पावर 3 बाय 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहां तक रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, नेक्स्ट नेक्स्ट जो सवाल है, y इक्वल साइन टेन एक्स बाय सेक रूट एक्स, ये सवाल है, ठीक है, नेक्स्ट यही सवाल है, y इक्वल साइन टेन एक्स बाय रूट ओवर एक्स, इसका हमें डी बाय डी एक्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, y इक्वल साइन टेन एक्स बाय सेक रूट एक्स है भाई, ठीक है ना, और डी बाय डी एक्स निकालेंगे तो पहले स्टेप में u बाय b के फॉर्म में है इसलिए पहले स्टेप में अंदर क्या लिखना है, sec root x यहां पर है, ठीक है, पहले स्टेप में अंदर क्या लिखेंगे भाई, पहले स्टेप में अंदर आपको क्या लिखना है,
अंदर x लिखना है क्योंकि ये u by b के फॉर्म में है, क्योंकि ये u by b के फॉर्म में है, ठीक है ना। ऐसे ब्रैकेट सिंपली रहने देते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप में अंदर x लिख, अगले स्टेप में u by b वाला फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है ना। ऊपर वाला u, नीचे वाला b, u by b वाला फॉर्मूला, b स्क्वायर, b के जगह पर देखिए sec root x है तो sec root x का स्क्वायर आ जाएंगे, ठीक है ना। b स्क्वायर, फिर b को ही चापेंगे, b को चापेंगे, b को चापेंगे, b के जगह पर क्या है भाई, sec root x है तो sec root x को मैंने कॉपी कर लिया, b को चाप दिया। u को डिफरेंशिएट करना है, u के जगह पर देखिए sin 10x है, u के जगह पर क्या है भाई, sin 10x है, u के जगह पर क्या है, sin 10x है, u के जगह पर sin 10x है, तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है sin 10x का। तो sin 10x को डिफरेंशिएट करना है, तो sin 10x को अकेला जैसे किया जाता था चैन रूल लगाकर डिफरेंशिएशन, वैसे ही करेंगे। तो d लगाकर अंदर वाले को लिखना है, sin 10x में अंदर क्या है, 10x है, फिर इसी चीज को कॉपी करेंगे, d 10x बाय d लगाकर अंदर वाले को लिखना, अंदर x आ जाएंगे, ठीक है ना। b स्क्वायर, b को छापे तो u को डिफरेंशिएट कर दिया, है ना। u को अकेला जैसे, sin 10x को अकेला जैसे चैन रूल लगाकर डिफरेंशिएशन करते हैं, वैसे ही कर दिया, बीच में फॉर्मूला से माइनस, ठीक है ना। फिर u को छापेंगे, u के जगह पर क्या है, sin 10x है, तो sin 10x को छाप लिए, u को छाप लिए, b को डिफरेंशिएट कर देंगे, b के जगह पर क्या है, sec root x, तो sec root x को डिफरेंशिएट कर देना है, तो sec root x को अकेला जैसे चैन रूल लगाकर किया जाता था डिफरेंशिएशन, वैसे ही कर देंगे, ठीक है ना। d root x by dx आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने u by b वाले फार्मूला पर इसको सेट कर दिया। अगले स्टेप में जिसका जो फार्मूला होता है उसको लिख देना है, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं आप, sec स्क्वायर रूट ओवर x, ठीक है, और sec रूट x ऊपर में आ जाएंगे, और sin का डिफरेंशिएशन cos हो जाना है, इनटू अंदर वाला 10x है, 10 का sec स्क्वायर x हो जाएंगे, माइनस sin 10x, sin 10x, और sec का यहां पर देखिए डिफरेंशिएशन, sec का sec इनटू अंदर वाला क्या है रूट x, और 10 इनटू अंदर वाला, ठीक है ना, और रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट ओवर x, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट पहले u by b वाला फार्मूला को मैं इस साइड में लिख दूं थोड़ा सा। इफ y इक्वल u by b देन dy by dx जो है क्या होता है भाई, b स्क्वायर, b को चापेंगे, u को डिफरेंशिएट करना है, बीच में फार्मूला से माइनस, u को चापेंगे तो b को डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है भाई। ये फार्मूला इसको साइड में लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, इसमें भी dy by dx निकालना है, इसमें भी आपको dy by dx निकालना है। y इक्वल्स साइन टू द पावर 5 रूट एक्स बाय सेक ई टू द पावर कॉस एक्स, ठीक है भाई। ये नेक्स्ट सवाल है, ई टू द पावर कॉस एक्स, साइन टू द पावर 5 रूट एक्स बाय ई टू द पावर कॉस एक्स, इसमें मैं dy by dx निकालना है, तो निकालने के लिए साइन टू द पावर 5 रूट एक्स बाय ई टू द पावर कॉस एक्स, ठीक है। चैन रूल लगेंगे, चैन रूल लगने के लिए आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टू द पावर 5 रूट ओवर एक्स बाय ई टू द पावर कॉस एक्स, यू बाय बी के फॉर्म में है इसलिए पहले स्टेप में अंदर एक्स लिख देंगे। अगले स्टेप में क्या करना है, यू बाय बी वाला फॉर्मूला लगा देना है, स्टार्टिंग बी से लेंगे, बी स्क्वायर लिखेंगे, बी के जगह पर क्या है, ई टू द पावर कॉस एक्स है, तो e to the power cos x का स्क्वायर, ठीक है ना, e to the power cos x का स्क्वायर, b स्क्वायर, फिर b को ही चापना है, b को ही चापना है, b के जगह पर क्या है, e to the power cos x है, e to the power cos x को चाप लिए, b को चापेंगे, u को डिफरेंशिएट कर देना है, u के जगह पर sin to the power 5 root x है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो sin root x का whole to the power 5, sin पर power 5 का मतलब अंदर में sin root x आ जाएंगे, और फिर इसी sin root x को आगे कॉपी करना है, sin root x by d लगाकर अंदर वाले को लिखना है, अंदर root x है, और d root x by d लगाकर अंदर वाले को लिख देना है, ठीक है ना। b स्क्वायर, b को छापे, u को डिफरेंशिएट कर दिया, बीच में फॉर्मूला से माइनस, फिर u को छापेंगे, u के जगह पर क्या है, sin टू द पावर 5 रूट एक्स,
यू को चापेंगे तो बी को डिफरेंशिएट कर देना है, ए टू द पावर कॉस एक्स को डिफरेंशिएट कर देना है, ई टू द पावर कॉस एक्स डी लगाकर अंदर वाले को लिखना है, अंदर कॉस एक्स है और डी कॉस एक्स बाय डी लगाकर अंदर वाले को लिखना, अंदर एक्स है। ठीक है भाई, हो गया, मैंने यू बाय बी वाला फॉर्मूला का इंप्लीटेशन यहां पर कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ई टू द पावर कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, ए टू द पावर कॉस एक्स आ जाएंगे और ये पावर वाला चीज है, पावर वाले चीज में या तो x टू द पावर n या तो a टू द पावर x, x टू द पावर n वाला n x n माइनस वन फाइव साइन रूट एक्स फाइव माइनस वन कहीं तो फोर आ जाएंगे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस रूट ओवर x आ जाएंगे, रूट का वन बाय टू रूट ओवर x आ जाएंगे, माइनस साइन टू द पावर फाइव रूट x आ जाएंगे। ठीक है, और e पर पावर कुछ भी रहेगा उसका डिफरेंशिएशन वही चीज कॉपी होता है और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका भाई। नेक्स्ट स्टेप में जो है हम लिख सकते हैं e टू द पावर कॉस एक्स का स्क्वायर है और यहां पर जो है आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, और ठीक है यू एज इट इज रहने देते हैं e टू द पावर कॉस एक्स, और पहले तो आपको नंबर फाइव बाय टू रूट ओवर एक्स, ठीक है ना, फाइव और बाय टू रूट ओवर एक्स को साथ में रखा ई टू द पावर कॉस एक्स और आपका आ जाएगा साइन टू द पावर फोर रूट ओवर एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाना है, साइन टू द पावर फाइव रूट एक्स है और इंटू ई टू द पावर कॉस एक्स और साइन एक्स। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना भाई, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट जो सवाल है कॉपी कर लीजिएगा, नेक्स्ट सवाल है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, वाई इक्वल रूट ओवर टेन एक्स क्यू बाय साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये नेक्स्ट सवाल है, तो देखते हैं इसमें कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो वाई इक्वल रूट ओवर टेन एक्स क्यू बाय साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और आपको dy by dx निकालना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली चैन रूल लगाना है पहले tan x cube by sin x square। ठीक है, d लगाकर अंदर वाले को लिखना है, इसमें अंदर क्या है आप देखिए रूट चाहता की तरह है, पहले तो रूट है भाई, है ना, तो रूट पहले है तो रूट बाहर में, रूट के बाद में जो भी है सबके सब अंदर है, तो tan x cube by sin tan x cube by sin x square, sin एक्स स्क्वायर है तो साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, फिर इसी चीज को कॉपी करेंगे टेन एक्स क्यू बाय साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, और बाय डी लगाकर अंदर वाले को लिखना है, यू बाय बी के फॉर्म में है इसलिए अंदर क्या लिखेंगे, इसलिए अंदर एक्स लिखेंगे, अंदर एक्स लिख दिया। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो है स्टेप में रूट का डिफरेंशिएशन वन बाय टू, रूट सहित सबको छाप देना है, टेन एक्स का क्यू बाय साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसमें जो है यहां पर क्या हो जाना है, ये u बाय वी के फॉर्म में है, u बाय वी वाला फार्मूला लग जाएंगे, साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बी स्क्वायर, बी को छापेंगे बी के जगह पर साइन एक्स स्क्वायर है, बी को छापना है, u को डिफरेंशिएट कर देंगे, टेन एक्स क्यू है, टेन एक्स क्यू को डिफरेंशिएट कर देना है डी एक्स क्यू। ठीक है ना, डी एक्स क्यू फिर डी एक्स क्यू बाई डी एक्स आ जाएंगे, बी स्क्वायर बी को छापे हैं तो यू को डिफरेंशिएट कर दिया, यू के जगह पर टेन एक्स क्यू है तो टेन एक्स क्यू को अकेला जैसे किया जाता था वैसे ही कर दिया, बीच में फॉर्मूला से माइनस माइनस लगा दिया, फिर यू को छापेंगे, यू के जगह पर टेन एक्स क्यू है तो बी को डिफरेंशिएट कर देना है, साइन एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट बी के जगह पर साइन एक्स स्क्वायर है इसको डिफरेंशिएट कर देना है, डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स आ गया। ठीक है, यू बाय बी वाले फार्मूला पर इसको मैंने सेट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना है वन बाय टू टेन एक्स का क्यू, टेन एक्स का क्यू बाय साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर साइन स्क्वायर का साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो साइन पर पावर होल पावर टू है तो साइन पर पावर टू ये आ जाएंगे साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, टेन का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स का क्यू और एक्स का क्यू का थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स का क्यू साइन का cos एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का ट्वाइस ऐसा x आ जाएंगे, ये आपका आंसर रहा। ठीक है ना, और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, आज का लास्ट सवाल है ये, देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है
वो सवाल है y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, ये सवाल है। इसमें